हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल टिम्पल किचन ड्रीम्स। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बहुत ही कॉमन रेसिपी है, बट उससे टेस्टी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी फेवरेट है। तो इसका नाम है पनीर बटर मसाला। जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो बिना मेनू देखे जो हम ऑर्डर करते हैं नान के बाद, वो सेकेंड रेसिपी हमारी यही होती है। तो क्यों ना वो रेस्टोरेंट की रेसिपी आज हम घर में ट्राई करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए नोट कर लेते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स। हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए पनीर। इन पनीर को मैंने डाइस के टुकड़ों में काट लिया है। 200 से 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है। एग्जैक्ट वेट नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं ये पनीर घर में रेडी किया है। बचे हुए दूध अक्सर हमारे घर में जमा हो जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता हमें इसका करना क्या है। तो मैंने बस ये पनीर रेडी कर लिया है आज। बहुत ही ईजी वे से मैंने रेडी किया है और बहुत ही स्पंजी और ये टेस्टी पनीर है। मार्केट जैसा ये टेस्ट देगा नहीं, उससे बेटर टेस्ट देगा 100%। तो अगर आप चाहें तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस टाइप से इसे रेडी किया है। प्याज 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने कट करके रख लिए, डाइस मतलब बड़े टुकड़ों में कट कर लिए हैं। 2 बड़े टमाटर, इन्हें मैंने काट के रख लिए बड़े टुकड़ों में। हमारा बटर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नाम ही है बटर पनीर मसाला, तो बटर यूज़ किया। हेल्थ कॉन्शियस है अगर आप, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसे थोड़ा। रिफाइन ऑयल 2 चम्मच। अदरक और लहसुन को मैंने काट के रख लिया है। 10 से 15 लहसुन के टुकड़े कलियाँ हैं हमारी, और अदरक एक छोटा टुकड़ा। खड़े गरम मसाले, इनमें मैंने 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 3 से 4 लौंग, 7 गोलकी और छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। कुछ मसाले चाहिए हमें, जैसे कि हल्दी, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1-1 चम्मच है दोनों, और खड़ा जीरा हमने थोड़ा सा लिया है। कसूरी मेथी, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि मेन फ्लेवर हमारा यही देने वाला है। अब बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप धनिया का, हरे धनिया का यूज़ कीजिए, बट ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन फ्लेवर हमारा इसी से मिलने वाला है। हमने मसाले थोड़े हिसाब से यूज़ किए, क्योंकि मैं इसमें रेडीमेड बटर पनीर मसाला डालने वाली हूँ। क्योंकि जब हमें इतनी सुविधा है कि हम कम मेहनत में टेस्टी खाना बना सकते हैं, तो अच्छा है ना, एक पैकेट यूज़ कर लेते हैं। इसका यूज़ करेंगे हम 1/2 कप। हमने दूध का यूज़ किया है और फ्रेश क्रीम हमें थोड़ा सा चाहिए। सबसे पहले पैन को गर्म कर ले। पैन जब गर्म हो जाए तो इसमें हमें बटर डालना है। थोड़ी सी क्वांटिटी बटर की बचा लेनी है। 1.5 से 2 चम्मच हमने बटर डाला है, और बटर के तुरंत डालते ही इसमें हम थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल डालते इसलिए है ताकि ये जो हमारा बटर है वो जले नहीं। अगर आप सिर्फ बटर को कुक करेंगे तो बटर हमारा जल जाएगा। तो ये देखिए हमारा मेल्ट हो गया बटर, जैसे ही हमने रिफाइंड ऑयल डाला वो आराम से मेल्ट हो गया है। अब ये जो गरम मसाला हमने आपको दिखाया था, उसमें से सिर्फ हमने तेज पत्ते को अलग किया है और बाकी सारा इसी में डाल दिया है। देखिएगा गोलकी फूटता है, इसीलिए थोड़ी सावधानी रखिएगा। जब हल्का सा ये भून जाए, इसी में हमें डाल देना है ये लहसुन और अदरक। इसे भी थोड़ा सा चला लेते हैं। ये लहसुन अदरक जो फ्लेवर दे रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें इस प्याज को हम ऐड कर देंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट हम थोड़ा चला लेंगे। कुकिंग को थोड़ी फास्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। ये कुकिंग हमारी बटर में हो रही है, तो बस ये ध्यान रखना है कि नमक हमें हिसाब से डालना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बटर जो है वो नमकीन ही है, वरना सब्ज़ी में नमक थोड़ा तेज हो सकता है। प्याज हमारा 1 से 2 मिनट कुक करना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि इस मसाले को हमें ग्राइंड करना है। इसके बाद जो टमाटर हमने काट के रखा है, इन टमाटर को इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसे हमें 1 से 2 मिनट भून के बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ये हम 1 से 2 मिनट इसे कुक कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ठंडा करने के बाद हमें इसका करना क्या है। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है और टमाटर भी गल रहा है।
ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है, ये देखिए। अब हमें गैस ऑफ करके इसे बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छे से हमें ठंडा करना है इसे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे फ्रिज में रख लें, और अगर आप पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आराम से इसे सुबह भी बना के रख सकते हैं, और जिस समय पे आपको कुकिंग करनी है उस समय इस पेस्ट को तैयार कर सकते हैं। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। ये देखिए जो हमने भून के सामने प्याज और टमाटर रखा था, इसे मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया। ये पूरी तरह से अब ठंडा हो चुका है। अगर आपको तुरंत कुकिंग करनी है, आपके पास टाइम नहीं है इस मिक्सर को रेडी ठंडा करने के लिए, तो आप ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हैं या बर्फ़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मेरा ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो फिर पीसने के लिए मैंने इसमें नॉर्मल वाटर का यूज़ किया है। अब चलिए हम इसे पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ये देखिए पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे पीसा है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा रेडी हुआ है। अब हम कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख लेते हैं। कढ़ाई जब हमारा गर्म हो जाए, मैंने इसे पहले से ही रख लिया था तो हीट हो चुका है हमारा कढ़ाई। फिर सेम जैसा मैंने फर्स्ट स्टेप में बटर और रिफाइंड ऑयल को ऐड किया था, उसी तरह बटर और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। और जब हमारा ये पूरी तरह से बटर जो है मेल्ट हो जाए, तो फिर इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता और खड़ा जीरा। और कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गर्म मसाले तो हमने पहले से ही भून के रेडी कर लिए हैं, उन्हें हमने पेस्ट में पीस लिया है। जीरा जब हमारा चटक जाए, तो फिर ये जो हमने पेस्ट रेडी करके रखा है पेस्ट, इसे हमें आराम से इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए पेस्ट मैंने पूरी तरह से इसमें डाल दिया है। इसे हमें आराम से पका लेना है, कुक कर लेना है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा मसाला कच्चा ना रह जाए, पूरा टाइम मिले इसे कुक होने के लिए। इसे हमें आराम से 2 से 3 मिनट भून लेना है। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा पेस्ट थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डालते हैं, नमक अपने टेस्ट के अनुसार, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब इन्हें तब तक हमें भून लेना है जब तक कि ये तेल बिल्कुल अलग ना हो जाए, यानी कि हमारा मसाला और तेल जब तक अलग अलग ना दिखने लगे तब तक हमें इसे भून लेना है। देखिए पेस्ट हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ये तेल भी छोड़ रहा है। अब इस पेस्ट में हमें डाल देना है, ये इंग्रेडिएंट्स का मैंने आपको जब नोट करवाया था तो नाम नहीं लिया था, कश्मीरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये कलर अच्छा देगा। ये थोड़ा लेट में ही डालना है, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत इसे है नहीं, इसीलिए जब मसाला आपका 85% भून जाए, रेडी हो जाए, तब आप इसमें मिर्च ऐड करें। अगर आप बहुत तीखा पसंद करते हो, आप मिर्च ज़्यादा डालते हो, तो हरी मिर्च भी कट करके इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें अभी ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे बच्चे इसे फिर खाएंगे नहीं। ये देखिए कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है मसाले का, मसाला हमारा बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो पनीर हमने कट करके रखा था उस पनीर को इसमें ऐड कर देना है, और पनीर के साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आराम से हम इसे मिक्स कर सकें। बिना पानी का भूनेंगे तो पनीर बिल्कुल फ्रेश है हमारा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको जैसा कि बताया था पनीर मैंने घर में रेडी किया है, तो फिर ये चलाने में टूट जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत है नहीं। आराम से हल्के हाथ से धीरे धीरे हम इन पनीर को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए
अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और फिर हम इसमें ये जो मसाला पनीर मसाला हमने बटर पनीर मसाला दिखाया था, इसको इसमें एक चम्मच ऐड करना है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें पनीर के साथ। और मसाले के साथ ही साथ हमें ये जो कसूरी मेथी हमने लिया था इसे डाल देना है। ऐसे नहीं डालना है, इसे हाथ में हमें ले लेना है और थोड़ा सा इसे रब कर लेना है, ये फ्लेवर अच्छा देगा। रब करते हुए हमें इसमें इसे ऐड करना है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा और पानी डालना होगा हमें। पानी की क्वांटिटी आपको कितनी डालनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत लोग इस टाइप से मसालेदार पसंद करते हैं, बहुत लोग को पूरी ग्रेवी चाहिए, तो आप जिस टाइप से पसंद करते हो उस टाइप से आप इसमें पानी ऐड कीजिए। थोड़ी सी पानी और मुझे इसमें डालनी पड़ेगी। अब तेज आंच में हमें कुकिंग करनी है, क्योंकि अब कुछ मुझे पकाना तो है नहीं इसमें। थोड़ा सा पानी, जब इसमें बॉयल आ जाए पानी डालने के बाद, तो फिर ये जो दूध हमने लिया था ये दूध हमें डाल देना है धीरे धीरे करके। हाफ कप इसमें हमें ऐड करना है दूध। तेज आंच ही रखना है। पूरी बॉयल आने का इंतज़ार करते हुए हमें इसे चलाते रहना है। इसे कवर करके हमें कुकिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसे अब कवर कर देंगे तो हमारा सारा पनीर टूटने लगेगा। एक से दो मिनट इसे हमें और बॉयल करना है। और थोड़ा सा और बटर इसमें हमें डाल देना है। ये बटर है बड़ी कमाल की चीज़, ये हमारे डिश को बहुत ही टेस्टी बनाता है, खुशबू भी इसकी वजह से बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, हमें जिस टाइप की रखनी है उस टाइप से इसको रेडी कर लेते हैं। रोटी के लिए इतनी तो रखनी ही होगी हमें। ये देखिए, हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करना है। तो फ्रेश क्रीम ऐड हमें करना कैसे है, हमारा जब ये रेडी हो चुका है पूरी तरह से, अब ये तो गैस ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर हम गैस ऑन करेंगे और बॉयल देंगे इस क्रीम को तो ये हमारा फटने का डर है और डिश हमारा जो उतनी देर से हम लोग मेहनत करें वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। तो इसमें हम लोग 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अच्छी तरह से अब हमें इसे 1 से 2 मिनट ढक के रख देना है और उसके बाद प्लेटिंग की तैयारी करनी है। ये देखिए, हमारा रेडी हो चुका है पनीर। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। सर्व करते समय हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे। और अगर आप मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसमें हरी मिर्च डाल के इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरा ये डिश पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।